उज्जैन जिले के किसानों के लिए कृषि विभाग ने जरूरी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मिट्टी परीक्षण की अनुशंसा अनुसार गेहूं की फसल में संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करने और डीएपी के स्थान पर एनपीके और उर्वरक को सबसे अच्छा विकल्प बताया है। उज्जैन जिले में इस वर्ष रबी मौसम में 4,71,000 से ज्यादा हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है। जिले में मुख्य रूप से गेहूं की फसल है। सिंचित गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मानसी आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति कृषक डीएपी के अतिरिक्त विभिन्न उर्वरक विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं। कृषि विभाग के उप संचालक आरपीएस नायक ने उर्वरक उपयोग करने के लिए किसानों को सलाह दी है कि गेहूं फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने हेतु डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक सबसे अच्छा विकल्प है। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट। बोने का समय चल रहा है, किसान भाई हमारे खेतों की तैयारी भी कर ली और बुआई गेहूं, चना, मसूर, सरसों, इनकी सरसों की बुआई हमारे किसान भाई सबसे पहले करते हैं। तो अभी गेहूं और चने की बुआई हेतु जो खाद भी उज्जैन जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भाई जो को ये सलाह दी जाती है कि आप डीएपी के स्थान पर हमारे किसान भाई एनपीके उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि एनपीके उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों तत्वों की मात्रा रहती है। तो एनपीके के रूप में 12-32-16 नाम का उर्वरक आता है, 10-26-26 नाम का उर्वरक आ रहा है और 16-16-16 ये एनपीके के रूप में हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध है। तो इसका अधिक से अधिक अपनी फसलों में उपयोग करें ताकि संतुलित मात्रा में तीनों तत्व फसलों को मिले और हमारे किसान भाइयों की फसलों की पैदावार अच्छी हो सके।